हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ आज एक और नया वीडियो लेके। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। शुगर ने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले उनका फर्स्ट एवर पाउडर लिपस्टिक लॉन्च किया था, जो कि एक्चुअल में इंडिया में भी पहला पाउडर लिपस्टिक है जो किसी ब्रांड ने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सो इट्स क्वाइट अ न्यू थिंग टू ट्राई, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखते हैं, रिव्यू करके देखते हैं। क्योंकि अगर आप परचेज करने का सोच रहे हो तो आप पहले रिव्यू तो देखना चाहोगे ना कि यार वर्थ है भी कि नहीं, क्योंकि यार एकदम सस्ता प्रोडक्ट तो है नहीं। 500 रुपए है, 500 रुपए भी तो बड़े होते हैं ना, तो उस हिसाब से 500 रुपए वर्थ है भी कि नहीं वही ट्राई करने के लिए, और आपके वैसे बर्बाद ना हो, या फिर हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा भी है वो आपको वीडियो के एंड में पता लग ही जाने वाला है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट को ट्राई किया। अब मैं फटाफट बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। सो सिंपली जैसे बाकी की शुगर लिपस्टिक का पैकेजिंग आता है, क्वाइट सिमिलर पैकेजिंग, इसका इंटीरियर पैकेजिंग भी क्वाइट सिमिलर है। आप इस पे आई डोंट नो आप देख पा रहे होगी कि नहीं, ये पाउडर दिख रहा है, यहाँ पे हाफ तक पाउडर है, एक्चुअल में ये पाउडर लिपस्टिक है। तो वो तो मुझे भी एक्चुअली जब मैंने परचेज किया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई कि यार सीरियसली पाउडर लिपस्टिक को लगाएंगे कैसे। मेरे तो बहुत सारे और दिमाग में चल रहा था कि शायद कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ लिक्विड ऐड करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा सारी चीजें, बट ये बिल्कुल भी उससे डिफरेंट है। ओके, सो पैकेजिंग की अगर बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं बता देती हूँ जो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, वो ये है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ओपन द लिपस्टिक, ठीक है, तो थोड़ा सा जो पाउडर है वो इधर उधर उड़ता है। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आंख में जा सकते हैं, जैसे पंखा चल रहा है और आपने अचानक से लिपस्टिक खोली तो वो पाउडर जो आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, बट ये थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली लिपस्टिक को निकालना है तो ये थोड़ा सा टाइट है, ये इतना स्मूथ नहीं है, तो जैसे ही आप इसको निकाल रहे हो आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख पा रहा होगा, पाउडर थोड़ा सा इधर उधर उड़ता है, जो कि मुझे जमा नहीं इतना, ये सही नहीं है। हम कुछ और इसके बारे में सोच सकते थे पैकेजिंग के बारे में इसको बेटर करने के लिए, तो दैट वॉज अ लिटिल बिट थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई पर्सनली, बट ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पैकेजिंग में अगर मैं अंदर बात करती हूँ, सो जो इसका जो वॉन्ड है वो सिंपल डो फुट वॉन्ड है, देख पा रहे होगे आप, ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा स्वेच दिखा देती हूँ कि कैसे काम करता है, तो आप देख पा रहे होगे है तो ये प्रॉपर पाउडर ही, पर जब आप इसको लेके यहां पे अप्लाई करते हो तो इट सडनली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड मैट काइंड ऑफ लिपस्टिक। तो आप देख सकते हो कि आपको लगेगा जरूर कि पाउडर है क्योंकि इसके अंदर पाउडर है, बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, क्वाइट यूनिक इट इज कि जैसे ही आप इसको यहां पे अप्लाई करते हो ये प्रॉपरली मैट लिपस्टिक के जैसे दिखने लग जाता है, ठीक है। सेम लिपस्टिक मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई की हुई है और इसका पे ऑफ काफी अच्छा है, कलर अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस लिपस्टिक की लगी, जो कि बाकी के शुगर लिपस्टिक से बेटर है, इसका फॉर्मुलेशन इज बैंग ऑन, बहुत लाइट वेट फॉर्मुलेशन है। एक्चुअली 500 के हिसाब से इस टाइप का फॉर्मुलेशन मिलना इज क्वाइट गुड, ठीक है। बहुत लाइट है लिप्स पे, जैसे कि अदर शुगर की लिपस्टिक होती है जो थोड़ी सी हैवी होती है लिप्स पे, वो नोटिस किया होगा आपने, इनकी जो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक आती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। इनकी जो लिपस्टिक होती है इसमें पील ऑफ होता है लिपस्टिक का, थोड़ा थोड़ा सा वो झड़ती है सूखने के बाद, बट यहाँ पे वो केस बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली बिल्कुल नहीं है। तो मुझे फॉर्मुलेशन वाइज तो इनकी लिपस्टिक बेस्ट लगी फॉर्मुलेशन वाइज, बट हाँ ये जो मैं चीज कह रही हूं कि जो इसका पैकेजिंग है वो मुझे उतना जमा नहीं, बट स्टिल इट्स टू लाइट, इट्स क्रीमी मैट, और इसका जो एप्लीकेशन है बहुत स्मूथ है आपके लिप्स पे, तो ये सारे जो है इसके प्लस पॉइंट है। मैंने इस लिपस्टिक को ऑलमोस्ट 5-6 घंटे के लिए वियर किया हुआ था अपने लिप्स पे, तो मुझे देखो ये बिल्कुल ऐसा, ये लोग लिखते हैं कि ये ट्रांसफर प्रूफ है बट ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, इसका स्टेन होता है अगर आप कप्स पे चाय वाय पीते हो, और थोड़ा सा ट्रांसफर होती भी है। देखो आपको मैं दिखाऊं, ये जबकि इसको मैंने काफी टाइम छोड़ा हुआ था ये लगाने के बाद, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 मिनट दिए हैं सेटल होने के लिए, इसके बाद भी इसका थोड़ा सा ये अपना स्टेन छोड़ रही है, तो ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है। तो अगर आप वो इंसान हो जिसको बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक पसंद है तो ये लिपस्टिक थोड़े से आपका मूड ऑफ कर सकती है, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कप पे स्टेन लगे ये सब, तो मेरे लिए एक ये माइनस पॉइंट बहुत बड़ा था लिपस्टिक में, बट स्टिल इसका जो टाइम है वो 5-6 घंटे ऑलमोस्ट चलती है, थोड़ा थोड़ा लाइट होती जाएगी बट स्टिल इट विल बी देयर ऑन लिप्स।
इसके अलावा एक और अच्छी चीज उसमें है कि जैसे भी अपन ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो पिंक लिपस्टिक्स होती हैं उसको रिमूव करने के बाद उनका स्टेन रह जाता है लिप्स पे, इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्टेन इसका बिल्कुल भी नहीं रहता लिप्स पे। तो जो फॉर्मुलेशन है ना उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी इधर, क्योंकि फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है, यूनिक फॉर्मुलेशन बनाया है। तो इन टोटल आप देख पा रहे होंगे ये इसका लिप स्वैच है, ठीक है, लिपस्टिक का। तो इन टोटल मुझे आई विल गिव इट लाइक 8 out of 10। 8 इसलिए क्योंकि फॉर्मुलेशन इज टू गुड। 2 marks इसलिए काटे हैं क्योंकि एक तो पैकेजिंग मुझे इतना जमा नहीं, और दूसरी चीज एक कि इनको ट्रांसफर प्रूफ बनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था जो कि नहीं है, क्योंकि हम कम पैसे नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग 500 rupees। तो 500 rupees के हिसाब से और भी मार्केट में बहुत सारी लिपस्टिक है जो ट्रांसफर प्रूफ है। मैं इन टोटल समराइज कर देती हूँ, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस लिपस्टिक आप परचेज कर सकते हो, बट अगर आपको एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ एक लिपस्टिक परचेज करके उसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, मल्टीपल लिपस्टिक नहीं खरीदते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। प्लीज आप दूसरी किसी लिपस्टिक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बस स्मज होती है, थोड़ा सा ट्रांसफर करती है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा एक यूनिक फॉर्मुलेशन है, तो आप कर सकते हो, इन्वेस्ट करना चाहो, ऐसा कुछ नया चीज ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यू कैन डू इट। बट मैंने बताया अगर आपको कलेक्शन करने का शौक है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर आप एक ही लिपस्टिक परचेज करके उसको मल्टीपल टाइम यूज करते हो तो ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। तो यही मेरा रिव्यू खत्म होता है। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, यस मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लो, और अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।